हेलो, वेलकम टू न्यूराइज क्लासेस. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो आज हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ताकि ईवीएस की जो वीडियोस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो सबसे पहले जो ईवीएस का जो सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस जो है 6 थीम्स के ऊपर बेस्ड है. तो इनमें जो पहली थीम है वो है हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इसके कुछ सब थीम्स भी हमें पढ़ने होंगे, जो कि है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट्स. जो हमारा सेकंड थीम है वो है फूड, और थर्ड वन इज शेल्टर, फोर्थ वन इज वाटर, फिफ्थ वन इज ट्रेवल एंड सिक्स्थ वन इज थिंग वी मेक एंड डू. तो इस तरीके से जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं थीम्स के बेस्ड पे होंगे और इन्हीं थीम्स से ही आएंगे. और जो 15 मार्क्स की होगी वो हमारी पैडागॉजी होगी, जिसकी वीडियोस जो होगी हम इन क्लासेस को खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे. मतलब कि इन थीम को कंप्लीट करने के बाद जो इसका जो सिलेबस है पैडागॉजी का वो हम स्टार्ट करेंगे. इसीलिए सब फैमिली फैमिली जो होता है बच्चों के लिए, हमारे लिए पहला स्कूल होता है. फैमिली के अंदर जब छोटा बच्चा, उसके अंदर जब सेंसेस आ जाते हैं या वो चीजों को समझने लग जाता है, तब उस बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करना है, अपने कल्चर के बारे में उसे बताया जाता है कि सोसाइटी में कैसे मैनर्स, कैसे किस मैनर्स में दूसरों से बातें करना है, या उनके अंदर मॉरल वैल्यूज को डेवलप किया जाता है जो कि दूसरे फैमिली मेंबर्स द्वारा किया जाता है. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि फैमिली के अंदर होते हैं. तो सबसे पहले फैमिलीज में जो होते हैं, लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, फैमिली मेंबर एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, और वो एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं. फैमिलीज जो होती है वो एक दूसरे की हमेशा हेल्प करती है और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करती है. हर फैमिली, मतलब कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हर एक फैमिली के अलग अलग रिचुअल्स होंगे, अलग अलग फेस्टिवल्स होंगे. तो हर फैमिली के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और अपने अलग यूनिक कस्टम्स होते हैं. जो फैमिली होती है वो एक साथ मिलकर टीवी या प्ले एक साथ देखते हैं, या कहीं टूर वगैरह भी एक साथ प्लानिंग करते हैं. जो एल्डर होता है हमारी फैमिली का, वो वर्क बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाता है और फैमिली की टेक केयर करता है. और जिस जो हमारे एल्डर होगी फैमिली में, वो हमारे लिए खाना पकाती है या बच्चों के लिए, अदर मेंबर्स के लिए. कभी कभार जो हमारी फैमिलीज में कुछ न्यू मेंबर्स आ जाते हैं, फैमिलीज जो होती है हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है. फैमिलीज एक दूसरे की हेल्प करती है, और कई कभार तो कुछ फैमिलीज मेंबर्स एक साथ एक समान दिखने वाले भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स और उनके बच्चे एक समान दिखते हैं, और हम बोल सकते हैं कि वो कभी कभार जो फैमिली मेंबर होते हैं वो एक दूसरे का निकनेम रख देते हैं प्यार से, या फिर प्यार से उन्हें पेट नेम से बुलाते हैं. और फैमिली मेंबर्स कई कभार जो होता है, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो पास अवे हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है. जो बच्चे होते हैं वो डेली स्कूल जाते हैं और प्रॉपर एजुकेशन को गेन करते हैं. फैमिली मेंबर्स कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, मिलजुल कर रहते हैं. सम चेंजेस जो कि फैमिली में आ जाते हैं, उसके दो रीजंस होते हैं. या तो हमारी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आएगा, या फिर हमारी फैमिली से कोई चला जाएगा, मीन्स कि उसकी मृत्यु हो जाएगी. तो यही जो रीजन है, ये दो मेन रीजंस है. और भी सब कुछ रीजंस है जो कि, जैसे कि हमारी फैमिली में जब कोई आता है तो वो कैसे आता है, या तो कोई नया बेबी बर्थ लेगा तो हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आ गया, या फिर किसी की शादी होती है, या फिर किसी के थ्रू जब कोई हमारे घर में नया मेंबर आ जाता है, या फिर किसी की मृत्यु होने के कारण, और कभी कभार काम के कारण जब लोगों का ट्रांसफर हो जाता है फैमिली मेंबर्स में, तो इस वजह से भी हमारी फैमिलीज में चेंजेस आ जाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फैमिलीज. अब फैमिलीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, सिंगल पेरेंट फैमिली हो गया. तो हम ज्वाइंट फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं. ज्वाइंट फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं. इस फैमिली में मेंबर्स जो होते हैं अप टू सेकेंड जनरेशन तक होते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, अंकल्स होंगे, आंट होंगे और उनके बच्चे होंगे, जो कि एक साथ मिलकर रहेंगे, उसी को बोलते हैं हम ज्वाइंट फैमिली. और इस जो ये ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन सबसे ज्यादा भारत में है, यानी कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती है.
और सेकंड वन है हमारा एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि सेम जॉइंट फैमिली की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिलेटिव्स ऐड हो जाते हैं, जिसमें कि इस फैमिली में जो कि थोड़ी ब्रॉडर होती है जॉइंट फैमिली से, और इसमें सेम ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, चिल्ड्रन रहेंगे, अंकल आंट रहेंगे, लेकिन इसमें रिलेटिव्स ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसे हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हमारा पैट्रिलोकल फैमिली, पैट्रिलोकल फैमिली मीन्स कि पिता के साइड की फैमिली, जिसमें कि जितनी भी अथॉरिटीज या पावर होती है ये हमारे मेल मेल यानी कि हमारे फादर या ग्रैंडफादर को होगी, जो इसमें एल्डेस्ट होगा मेल, उसी को सारी अथॉरिटीज दी जाती हैं, और इस जितने भी रिचुअल्स होंगे वो हमारे मेल एल्डर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, और वो उसे ही हमारा गार्जियन ऑफ फैमिली भी कहा जाता है। चाहे किसी भी काम की जो अथॉरिटीज या पावर जो दी जाती है वो मेल एल्डर मेल को दी जाती है। और फिर उसके बाद इसमें काफी जो प्रचलन जो चले प्रचलित जो बातें हैं वो ये होती हैं कि जो हमारा एल्डर या जो पैट्रियोकल रेसिडेंस जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। उसका ये रूल होता है कि जो फादर होगा या जो फादर होंगे घर के, वो जाएंगे जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, तब उनकी उनकी शादी करके उनकी फीमेल को लाया जाता है, मतलब कि उनकी वाइफ को लाया जाता है, और फिर फैमिली को आगे मूव किया जाता है आफ्टर द मैरिज। और जो इसमें जो डॉटर्स होती हैं उनको उनकी शादी करके उनको दूसरी फैमिलीज में भेज दिया जाता है। तो यही रूल्स जो प्रचलित प्रथाएं जो बनाई गई है वो इस तरीके से है। और फिर जो हमारा आता है सेकंड थर्ड जो हमारा आता है मैट्रिलोकल फैमिली, इस टाइप की फैमिलीज में जो मदर या फिर वाइफ होंगी वो हेड होती हैं, और मैट्रिकल फैमिली सिस्टम में जो रूल्स होता है वो फैमिली का वो मदर बनाती है ना कि फादर बनाते हैं। और इस टाइप की फैमिली में जो वुमेन्स होते हैं वो सारे रिलीजियस राइट या रिचुअल्स जो भी है वही परफॉर्म करेंगे, और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनके साथ आके उनके घर में रहते हैं अपनी वाइफ। अब नेक्स्ट वन इज हमारा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसी टाइप की फैमिली होती है जिसमें एक कपल एक साथ रहते हैं अपने बच्चों के साथ, उनका एक या एक से ज्यादा बच्चे होंगे जो एक साथ मिलकर रहते हैं। इसको हम एलिमेंट्री फैमिली और कॉन्जुगल फैमिली के नाम से भी जानते हैं और स्मॉल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली, ये इस टाइप की फैमिलीज होती है जिसमें एक सिंगल पेरेंट रहता है, अपने बच्चे का पालन पोषण वही करता है। अब सिंगल पेरेंट रहने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वो विडो हो, या फिर उसका डिवोर्स हो गया हो, या फिर उसने कभी शादी ही ना की हो, तो इस वजह से वो सिंगल पेरेंट कहलाता है। और इस टाइप्स की जो फैमिलीज होती है उसमें चिल्ड्रन और सिर्फ एक पेरेंट एक साथ मिलकर रहते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू। सबसे पहला